नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यूर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल मुंबई की तरफ से भर्ती निकली है। बहुत ही अच्छी खबर है आईटीआई वालों के लिए। अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, और अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो भी पूरे वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी जो ट्रेड है वो कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई फॉर यूर चैनल के ऊपर जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो तुरंत शेयर किए जाते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं पूरी डिटेल। ये देखिए, ये भर्ती निकली है आईटीआई वालों के लिए, अप्रेंटिस की भर्ती है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 933 पोस्ट हैं कुल मिला के, और ट्रेड आपके सामने हैं। डिटेल में हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीटर की। फीटर की देखिए, यहाँ पे है अप्रेंटिस फिटर के लिए कैंडिडेट के पास फिटर का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई से, यानी कि आपके पास ट्रेड फिटर की होनी चाहिए। वैकेंसी 141 है दोस्तों, 141 टोटल वैकेंसी है फिटर की 141। और एससी के लिए 14 पोस्ट हैं, एसटी 13, ओबीसी के लिए 31, 31 है, और जनरल के लिए 83। टोटल टोटल जो है 141 पोस्ट है। बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप के लिए 4 पोस्ट हैं, और आर्म्ड फोर्सेज वालों के लिए 4 पोस्ट हैं। उसके बाद है दोस्तों मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट के लिए ट्रेड वही होनी चाहिए मशीनिस्ट की। आपके पास टोटल मिला के 60 पोस्ट हैं, 60। तो पूरी डिटेल कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे दी है। नंबर 3 है वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक। वेल्डर के लिए 65 पोस्ट हैं, और उसके बाद है शीट मेटल वर्कर के लिए 8 पोस्ट हैं दोस्तों। ट्रेड आपकी सेम होनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। उसके बाद टेलर की है, टेलर के लिए दोस्तों 13 पोस्ट हैं। ये पूरी डिटेल है कैटेगरी वाइज। उसके बाद है मैकेनिक, मशीन और टूल मेंटेनेंस। ट्रेड आपकी सेम होनी चाहिए, 59 पोस्ट हैं इसके लिए। उसके बाद जिस ट्रेड की भर्ती है वो है मैकेनिक आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, तो 39 पोस्ट हैं इसके लिए। उसके बाद है मैकेनिक डीजल, डीजल मैकेनिक के लिए 73 पोस्ट हैं दोस्तों। डीजल मैकेनिक वाले काफ़ी चिंता कर रहे थे कि हमारी पोस्ट नहीं आ रही। उसके बाद है पेंटर, पेंटर जनरल के लिए 34 पोस्ट हैं। पावर इलेक्ट्रिशियन के लिए 198, 198 पोस्ट हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए हैं। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो है 24 पोस्ट हैं, 24, और इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए भी हैं 6 पोस्ट। उसके बाद फाउंड्री मैन की हैं दोस्तों, पाइप फिटर, शिपराइट, वुड और पेंटर मेकर, पैटर्न मेकर के लिए 9 पोस्ट हैं, यानी कि 855 पोस्ट तो यहाँ पे हैं। 1 साल वाली है दोस्तों ये, तो ट्रेनिंग जितनी पोस्ट आपको बताई हैं ये जितने अलग अलग हैं। और उसके बाद है अब 2 ईयर ट्रेनिंग, ये 2 साल की है अप्रेंटिस। इसमें है दोस्तों ट्रेड का नाम है शिपराइट स्टील। तो आपके पास ट्रेड होनी चाहिए फिटर की, और वैकेंसी है टोटल 34, 34 पोस्ट हैं। और उसके बाद है दोस्तों रिगर, इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर का मतलब ये है कि चाहे कैंडिडेट 8वीं पास हो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर डिटेल मेंशन है, बाकी डिटेल इसी में हम चेक करेंगे आगे। तो रिगर के लिए, रिगर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों मैकेनिक। तो रिगर के लिए कैंडिडेट 8वीं पास होना चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन है। टोटल वैकेंसी है 41। अब उसके बाद है दोस्तों फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, तो इसके लिए जो है टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 3। इसके लिए भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्जर का मतलब होता है कूटकार, बोलते हैं दोस्तों हिंदी में हम उसको। तो इसके लिए भी 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और 78, 78 पोस्ट हैं, यानी कि कुल मिला के 933 पोस्ट हैं अप्रेंटिस की भर्ती है। अब बात करते हैं डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज वगैरह की। देखिए यहाँ पे एज में छूट है दोस्तों नियमानुसार। सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर मेंशन है दोस्तों कि कैंडिडेट जो है 10वीं क्लास पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट 10वीं क्लास पास होना चाहिए, और 10th क्लास में उसके 50% नंबर हैं होने चाहिए, और आईटीआई पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई में आपकी आपके जो है 65% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। और एनसीवीटी से आपकी ट्रेड होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट अभी आईटीआई कर रहे हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज ए फ्रेशर तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी ट्रेड है जिसमें फ्रेशर उन्होंने नहीं मांग रखा तो वो अप्लाई उसमें नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कैंडिडेट 10वीं क्लास पास होना चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए। 10वीं क्लास में 50% और आईटीआई में आपके 60% होने चाहिए, और एनसीवीटी वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1999 और 31 मार्च 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दोस्तों। कई बार
हमारे पास से कमेंट्स भी आते हैं कैंडिडेट्स की कि क्या SCVT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो लिखते हैं NCVT/SCVT। आप सभी को पता है कि SCVT तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, ज़्यादातर ITI में NCVT ही करवा जा रहा है। फिर भी जहाँ पे NCVT लिखते हैं तो भी SCVT वाले ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, क्या पता है इंटरव्यू के टाइम वो उसको एप्लीकेबल कर लें, यानी कि एलिजिबिलिटी में मांग लेते हैं। तो आप ये कभी भी मत सोचे कि वो सिर्फ NCVT, अगर वो ऐसा मेंशन करते हैं कि हमें तो सिर्फ NCVT वाले ही चाहिए तो बात अलग है, नहीं तो SCVT वाले भी आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए एज की जहाँ तक बात है, 1 अप्रैल 1999 से लेकर 31 मार्च 2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन फुल आउट जो है आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, आई साइट बिल्कुल ओके होनी चाहिए दोस्तों। और अब बात करते हैं पेमेंट की, यानी कि स्टाइफंड इसमें कितना दिया जाएगा। देखिए स्टाइफंड की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो 1 साल की ट्रेनिंग है दोस्तों उसमें दिया जाएगा 70% स्टाइफंड। 70% का मतलब ये है, क्लियर मेंशन है, 70% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय द महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं दोस्तों उनको जितनी सैलरी मिलती है वहाँ पे उसका 70% दिया जाएगा। मान लिया 10,000 मिलती है तो उसका 70% दिया जाएगा दोस्तों, अगर 20,000 मिलती है तो उसका 70% दिया जाएगा, यानी कि जो भी सैलरी उनको मिलती है सेमी स्किल्ड को उसका 70% दिया जाएगा 1 साल की ट्रेनिंग वालों को, और जिनका 2 साल की ट्रेनिंग का मामला है दोस्तों उनको दिया जाएगा 80%, 80%। यानी कि हम ये कह सकते हैं 10,000 अगर है तो दोस्तों 7,000 दिया जाएगा 1 साल वालों की, अगर 80% की बात करें तो हम 8,000 की वहाँ पे उनको स्टाइफंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की। देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम का इन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है, ये देखिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 जो है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 19 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा दोस्तों। और उसके अंदर इन्होंने टॉपिक भी मेंशन किए हैं, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और मैथ वगैरह जो है उसमें रिटन एग्ज़ाम के अंदर मेंशन किए जाएंगे, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर जो है मुंबई के अंदर ही होगा, क्लियर मेंशन है यहाँ पे, द सेंटर ऑफ एग्ज़ाम विल बी मुंबई ओनली, ओनली मुंबई के अंदर एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से आपने इसको सोच के अच्छी तरह से अप्लाई करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कैंडिडेट ITI कर चुके हैं वो कभी भी ये ना सोचे कि ये दूर की वैकेंसी है, ये नज़दीक की है दोस्तों। जॉब कहीं का भी हो, चाहे वो गुड़गांव से है, चाहे दिल्ली से है, फरीदाबाद, नोएडा, जहां भी आपको मिले किसी भी NCR रीजन में या साउथ में जैसे मुंबई वगैरह, कहीं पे भी जॉब मिले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अगर मांगते हैं वो तो आप अपने हिसाब से अप्लाई करके दोस्तों आप जॉब ज़रूर ज्वाइन करें। अप्रेंटिस में भी काफ़ी स्कोप है ITI वालों के लिए, और वैसे भी जितनी जॉब निकलती है ITI वालों के लिए, काफ़ी जॉब्स निकलती हैं ITI वालों के लिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि ये दूर है, ये वहाँ पे ये दिक्कत है, वहाँ पे लैंग्वेज की दिक्कत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप अप्लाई करें जिन्होंने ITI किया है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स का इन्होंने मैंशन किया है कि हम रिटन एग्ज़ाम के बाद ही, देखिए यहाँ पे मैंशन किया है कि हम रिटन एग्ज़ाम के बाद ही जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को हम कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही बनेगी। यहाँ पे इन्होंने फिर वही बात मेंशन की है कि इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और जनवरी 2020 तक जो है हम उनको सभी को ज्वाइन करवा देंगे। मेडिकल फिट कैंडिडेट होना चाहिए दोस्तों, क्लियर मेंशन है मेडिकल एग्ज़ाम, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको ये बनवा के देना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि आप जो है मेडिकली फिट हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, और मेन मेन पॉइंट्स इसके जो है वो हम चेक कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। उसके बाद है देखिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे, तो 2 सितंबर से इसके ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और 21 दिन का टाइम है दोस्तों, तो 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 सितंबर से आप कैलकुलेट कर लेना, और 21 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट डेट आपने बिल्कुल वेट नहीं करना है, तो जो कैंडिडेट ITI पास कर चुके हैं वो तुरंत इसके अंदर अप्लाई करें। तो दोस्तों ये था पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो डॉक यार्ड अप्रेंटिस स्कूल मुंबई की तरफ से ये भर्ती थी, नावल डॉक यार्ड मुंबई में, और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को बताया कि 2 सितंबर से टोटल पोस्ट 933 हैं दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अप्रेंटिस दो प्रकार की है इसमें, एक तो 1 साल की है, एक 2 साल की है। आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं क्लास में 50% इन्होंने मांगा है, आईटीआई के अंदर 65%। SC ST के लिए छूट है दोस्तों नियमानुसार 5 साल की। जो डिफेंस एम्प्लॉय हैं या जो स्टाफ मेंबर है डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल के, उनके लिए दोस्तों 2 साल की छूट है। और सिलेक्शन का प्रोसेस के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।